हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हमारे पास चार बड़ी न्यूज़ हैं। चार बड़ी न्यूज़ में पहली होगी कि सम सेमेस्टर की परीक्षा हमारे सीट पर होंगी, दूसरी मेन और प्राइवेट एग्ज़ाम जो हैं वो आपके कब से हो रहे हैं, तीसरी न्यूज़ है हमारे पास कि 35 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे इस बार, और वो दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। ठीक है, कब दिए जाएंगे इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। साथ ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस को बढ़ाने की बात चल रही है, तो कितना बढ़ा रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं, उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। तो देखो, पहली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है सम सेमेस्टर की परीक्षा जो है OMR शीट पर होंगी। अब वो OMR शीट पर क्यों होंगी, क्योंकि इस साल जो है आपका जो सेमेस्टर है वो काफ़ी लेट चल रहा है। तो यहाँ देखो, यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने इसके लिए नई शिक्षा नीति से आच्छादित स्नातक द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा OMR शीट पर कराने का निर्णय लिया है। यानी कि आपके जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो OMR शीट पर होंगे, जिसमें आपके 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। और उसके बाद हम बात करें तो दूसरी न्यूज़ हमारे पास है कि मेन और प्राइवेट के जो एग्ज़ाम होंगे वो 15 मई से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, मेन और प्राइवेट के जो एग्ज़ाम हैं वो 15 मई से शुरू होने वाले हैं। हालांकि इन्होंने वीडियो उसमें न्यूज़ में प्रस्ताव की बात की कि 15 मई से होने की संभावना है, लेकिन ऐसा कोई संभावना नहीं है, ये 15 मई से ही करा देंगे। क्योंकि अभी आप देखें, LLB के जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उसी बीच में इन्होंने एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी थी। अभी शायद 1 मार्च से या 2 मार्च से हुए हैं LLB के एग्ज़ाम। उसके बाद अगर BA, BSc, BCom का देखें तो उनके भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे ही जा रहे थे, तुरंत इन्होंने डेट निर्धारित कर दी 25 मार्च। ठीक, तो संदेह मना रहे हैं कि 15 मई के बाद होंगे या 15 मई से कभी फिर कभी हो जाएंगे। मान के चलें कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 15 मई से होंगे। एनुअल एग्ज़ाम यानी कि जो BA, BSc, BCom, MMSc, MCom के साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, और साथ ही प्राइवेट वालों के जो एग्ज़ाम होंगे वो 15 मई से शुरू हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम दूसरी न्यूज़ पर अगर बात करें, दूसरी न्यूज़ हमारी ये है 35 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात चल रही है, और वो जो टैबलेट स्मार्टफोन देने की बात चल रही है 6 महीने के अंदर अंदर दिए जाएंगे। यानी कि जो नया वित्तीय वर्ष लगेगा 1 अप्रैल 2023 से जो आपका वित्तीय वर्ष लग रहा है नया वाला, उसमें आपको 6 महीने के अंदर अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने शुरू कर दिए जाएंगे। और ये किन्हें दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट अगले वित्तीय वर्ष से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ही इनका वितरण करना होगा। यानी कि BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BTech, MTech इन सारे कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को ये दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए होंगे, आ जाएंगे अब एग्ज़ाम के बाद ही, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वालों को ही दिया जाएगा। ठीक, अगला वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है अपना वित्तीय वर्ष। और ये एक ही न्यूज़ नहीं है, एक ही अखबार में आई हुई न्यूज़ नहीं है, ये 2 अखबारों में सेम न्यूज़ आई है। ठीक है, अब दूसरे अखबार में तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि किन्हें मिलेगा और क्या मिलेगा। देखो, इन्होंने लिख दिया है कि स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल नर्सिंग सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यानी कि BA, BSc, BCom, BSc नर्सिंग इन सब, और MSc नर्सिंग कौशल विकास में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग कोर्स हो गए और कोर्स हो गए जैसे BTech, MTech, इन सब को दिया जाएगा टैबलेट ITI पॉलिटेक्निक में। ठीक है, हम अपनी तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी न्यूज़ ज़रा अजीब ही है। यहाँ पर इन्होंने देखो क्या लिखा है कि कुछ प्राचार्यों ने नई शिक्षा नीति के तहत 2 बार सेमेस्टर परीक्षा शुल्क को कम करने तथा कुछ शिक्षकों ने खर्चा बढ़ाने की मांग की है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग दोगुनी फीस ले रहे हैं, उसके बाद भी कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। अभी आप देखो, हम गूगल पर सर्च करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है गवर्नमेंट ने कितनी निर्धारित की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ये देखो, मैंने गूगल किया है, यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म एग्ज़ाम फ़ी फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंड डिग्री कॉलेजेस। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जितनी एग्जामिनेशन फॉर्म निर्धारित की गई थी वो क्या थी, ठीक है? तो वो थी आपकी, यहाँ पर देखो आप, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, इन सब के लिए थी 800 रुपये। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीए वोकेशनल, इनके लिए थी 800 रुपये। यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो थे उनके लिए थी 800 रुपये। और एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, एलएलबी, बीटेक, बीएससी, इन सब के लिए थी 1000 रुपये, ठीक। और उसके बाद बीडीएस, डॉक्टरी वाले जो कोर्स थे सारे, ये इनके लिए थी 1500 रुपये। और भी आप सोचो कितने दुगने दे रहे हो फीस, उसके बाद भी इन लोगों को ये कम लग रही है। तो फिलहाल क्या करेंगे इस बारे में, तो ये तो यही जाने, न्यूज़ तो फिलहाल उन्होंने यही छापी, ठीक है। और कोई अगर हमारे पास न्यूज़ आती है तो हम वीडियो में जल्दी आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।